नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके ऑलरेडी एग्जाम्स हो चुके होंगे, उनके सारे पेपर्स खत्म हो चुके होंगे। ऐसे कई कैंडिडेट्स होंगे जिनके एग्जाम जो हैं वो चौथे फेज में, मतलब 5 जून से 8 जून के बीच में शेड्यूल्ड होंगे। उनकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ गई होगी जिसमें उनको ये पता चल गया होगा कि उनका एग्जाम किस स्लॉट में होगा, किस डेट में होगा और कहाँ पर होगा, मतलब कौन सी सिटी होगी। बाकी उनके एडमिट कार्ड्स भी जो हैं वो जल्दी आ जाएंगे। अब लेकिन ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनके कुछ टेस्ट पेपर्स की डेट्स अभी तक नहीं मिली होंगी। पता चला उनका लैंग्वेज हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, लेकिन उनके डोमेन का कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिला है कि आखिर उनके डोमेन का पेपर आखिर कब होगा। तो यहां पर बात आती कि पेपर उनका होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम तो 8 जून तक ही शेड्यूल्ड था, लेकिन सीयूटी के एग्जाम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो फर्दर एक्सटेंशन है आपका वो यहां पे चला गया है 11 जून तक, मतलब 9 जून से 11 जून तक भी आपका सीयूटी का एग्जाम होगा। ये कल एक नोटिफिकेशन जारी की गई जिसमें ये बात बहुत साफ इन्होंने यहां पे बता दिया है कि कुछ सिटीज में नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ज्यादा होने की वजह से एग्जाम को हम लोग 9 जून से 11 जून तक एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब अगर अभी तक आपके किसी भी टेस्ट पेपर की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, हो सकता है 2 पेपर हुआ, 3 पेपर अभी बाकी है या 4 हो गया, 1 बाकी है, तो उस केस में आपका जो पेपर होगा वो 9 जून से 11 जून के बीच में शेड्यूल्ड होगा और जिसकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। अभी तक आपको उसकी सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं दी गई है, हो सकता है 4-5 जून तक वो जो है वो रिलीज कर दी जाए। तो इसका मतलब जो अभी तक ये था कि सीयूटी का जो आखिरी फेज होगा वो चौथा फेज होगा 5 जून से 8 जून, अब वो चौथा फेज आखिरी नहीं होगा, पांचवा फेज होगा 9 जून से 11 जून तक। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। जो भी आपको क्लासेस अभी प्रोवाइड की जा रही हैं, जो आपको पेपर एनालिसिस दी गई है, जो भी उसी पेपर एनालिसिस के बेसिस पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, उनको आप लगातार कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। आप प्रैक्टिस में बने रहो, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड होती जा रही है और आपके अंदर जो वो आलसपन आता जा रहा है, ऐसा होता है। एक्सटेंड होती जाती है तो हमारी पढ़ाई भी रिड्यूस होती जाती है। ऐसा ना हो, जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें आप और अच्छा परफॉर्म करो, जो आपकी पुरानी गलतियां उसको सुधार लो, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फर्दर कोई अपडेट्स आएंगी इनकी, 9 जून से 11 जून की सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, तो मैं आपके साथ वीडियो में बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।